नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में हुई गतिविधियों की, साथ ही देंगे आगामी कार्यक्रमों की जानकारियां भी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। प्रदेश में मकर संक्रांति से सबसे लंबी अवधि तक चलने वाले ऐतिहासिक बरमान मेले का आज नरसिंहपुर जिले में शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में हुआ। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति से सबसे लंबी अवधि तक चलने वाले ऐतिहासिक बरमान मेले का आज नरसिंहपुर जिले में शुभारंभ हुआ। प्रसिद्ध नर्मदा तट बरमान में हर साल मकर संक्रांति से करीब एक पखवाड़े तक चलने वाला ये मेला कई सालों से यहाँ की पहचान कायम रखे हुए है। मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में हुआ। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री श्री लखन घनघोरिया व संस्कृति मंत्री सुश्री विजय लक्ष्मी साधो ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस आयोजन में गाडरवारा विधायक तेंदुखेड़ा और नरसिंहपुर के विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। मेले के शुभारंभ के साथ नर्मदा पूजन किया गया और अतिथियों ने इस मेले को और बेहतर बनाने की बात कही। ये मेला हमारे प्रदेश की विरासत है, जिसमें दूर दूर से दुकानदार अपनी दुकानें लेकर पहुंचते हैं, जहां मनोरंजन भी भरपूर है। साथ ही सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देती हुई प्रदर्शनी मेले में आकर्षण का केंद्र रहती है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। सीहोर जिले में भी पंजाबी समाज द्वारा संस्कृति और उल्लास का पर्व लोहड़ी पारंपरिक तरीके से मनाया गया। लोहड़ी पर्व को मकर संक्रांति के आगमन की दस्तक भी माना जाता है। पंजाबी समाज ने मन को मोह लेने वाले गीत पर अग्नि की लौ की चारों तरफ नृत्य किया। बता रहे हैं सीहोर संवाददाता। लोहड़ी की संध्या में स्थानीय गंगा आश्रम स्थित गुरुद्वारे साहिब में पंजाबी समाज की महिला पुरुषों ने अलाप जलाकर उसके आसपास पारंपरिक लोकगीतों का खूबसूरत समा बांधा। मन को मोह लेने वाले गीत पर अग्नि की लौ के चारों तरफ खूब नृत्य किया। इसके बाद भांगड़े गूंज ने इस पर्व के उल्लास और उमंग को अपने चरम पर पहुंचाया। इस दौरान श्री गुरुद्वारा साहिब में पंजाबी समाज और अन्य समाज के लोगों ने अपने पारंपरिक रंग बिरंगे वस्त्रों में भजन कीर्तन पर जमकर नृत्य कर सभी ने परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। लोहड़ी के त्योहार के अवसर पर जगह जगह अलाप जलाकर उसके आसपास नृत्य किया गया। प्रादेशिक दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जन जागरूकता लाने और इस कानून को लेकर देशवासियों में फैले भ्रम को समाप्त करने के लिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जबलपुर पहुंचे। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हमारी संवाददाता। देश में हाल ही में लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जन जागरूकता लाने और इस कानून को लेकर देशवासियों में फैल रहे भ्रम को समाप्त करने रविवार को जबलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सदर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने वाला कानून है। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने की बजाय देश की नब्ज को समझना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री को सुनने जिले के कोने कोने से हजारों की तादाद में जागरूक लोग सभा स्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम को प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए जरूरी बताया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। हमारे धार संवाददाता ने बताया है कि आदिवासी बाहुल्य धार जिले में मध्य प्रदेश कराते एसोसिएशन और धार कराते डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा 5 दिवसीय राज्य कराते प्रतियोगिता 2020 का भव्य आयोजन किया गया है। धार जिले में पहली बार आयोजित कराते प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग में विभिन्न आयु और भार वर्ग के काटा और कुमिते के साथ ब्लैक बेल्ट वर्ग सहित कुल 160 इवेंट खेले गए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी कला के शानदार जोहर दिखाए। इस प्रतियोगिता में 160 स्वर्ण, 160 रजत और 320 कांस्य पदक सहित कुल 640 पदक दिए गए। सर्वाधिक पदक जबलपुर के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। वहीं दूसरे स्थान पर ग्वालियर व तीसरा स्थान इंदौर ने प्राप्त किया, जबकि धार जिले से कराते स्पर्धा में 92 खिलाड़ियों ने भाग लेकर प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 8 रजत व 9 कांस्य पदक हासिल किए। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 70 से अधिक कोच एवं लगभग 1200 खिलाड़ियों ने अपनी सुंदर भागीदारी निभाकर प्रतियोगिता की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कराते प्रतियोगिता के प्रथम दिन प्रतियोगी खिलाड़ियों द्वारा बेटी बचाओ कराते सिखाओ की थीम को लेकर आत्मरक्षा जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली में खिलाड़ियों के साथ कोच, आयोजक व अनेक जन प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
आगरमालवा जिले के सुसनेर में दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित होने वाले 8 दिवसीय पंच कल्याण महोत्सव के धार्मिक आयोजन को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेकर समाज को एक नई दिशा दी जा रही है। इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता महेश शर्मा। प्लास्टिक का उपयोग जहाँ एक ओर पर्यावरण के लिए तो हानिकारक होता ही है, वही दूसरी ओर प्राणी मात्र की सेहत पर भी बहुत ही विपरीत असर डालता है। आज देखा जाए तो हम विभिन्न आयोजनों में बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी 1000 रुपए की भी बर्बादी हो रही है। सरकार द्वारा भी लोगों को प्लास्टिक के डिस्पोजल पन्नियां तथा थैलियों के उपयोग नहीं करने की निरंतर सलाह दी जा रही है, क्योंकि इनका उपयोग करके हम अपनी सेहत को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, वही उपयोग किए हुए वेस्ट प्लास्टिक को जब हम फेंक देते हैं तो पशुओं के लिए यह जानलेवा साबित हो रही है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से समाज में भी धीरे धीरे जागरूकता आ रही है तथा लोग धार्मिक, सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में अब प्लास्टिक से बनी डिस्पोजल सामग्री से परहेज करने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है आगरमालवा जिले के सुसनेर दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित किए जा रहे पंच कल्याण महोत्सव में। 23 से 30 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस धार्मिक आयोजन में लगभग 40,000 समाज जन भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। इसके लिए समिति द्वारा 3,000 स्टील की थालियां, 6,000 स्टील की कटोरियां व ग्लास की व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रद्धालुओं को भोजन करवाया जाएगा। 8 दिनों के इस आयोजनों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर जैन समाज द्वारा दिया जा रहा यह संदेश अन्य समाजों और आमजनों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड बच्चों को पुरातन संपदाओं, वन्य जीव जंतुओं की अनुभूति करवा रहा है। अशोकनगर के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ब्यौरा दे रहे हैं अशोकनगर संवाददाता। विगत दिनों वन विभाग के अधिकारियों ने चनेरी तहसील के 17 विक्रमपुर, डंगासरा, बांकरपुर और मिडिल स्कूल चनेरी के 120 छात्र छात्राओं को बूढ़ी चनेरी के जंगलों का भ्रमण करवाया और ने जड़ी बूटियों और अन्य वन प्राणियों की जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर मुजफ्फर अंसारी के मार्गदर्शन में बच्चों ने जंगल में विचरने वाले जीवाश्म, समुद्री कोरल, अजायब घर में रखे पाषाणकालीन औजार, माइका स्टोन, मैंगनीज स्टोन, जानवरों के जीवाश्म जिनकी हड्डी या पत्थर बन चुकी है, जूरा से काल की वनस्पति को हाथ लगाकर अनुभूति की और इसके पुरातन यथार्थ को महसूस किया। बच्चे ये सब मात्र पुस्तकों में ही पढ़ पाते थे, यथार्थ में अनुभूति कर वास्तविक जीवन से परिचित हो गए। इस दौरान बच्चों ने पर्यावरण की रक्षा करने, पर्यावरण संरक्षण प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प भी लिया। समाचार दर्शन के लिए अशोक नगर से मैं नीरज शुक्ला। शिवपुरी जिले में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने जन जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता रैली, संगोष्ठी, वार्ताएं आयोजित की जा रही है। जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी संवाददाता। शिवपुरी जिले में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने जन जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान अंतर्गत जन जागरूकता रैली, संगोष्ठी व वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को लेकर घर घर जाकर इस कानून की जानकारी दी। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद जयवान सिंह पवैया ने एक पत्रकार वार्ता कर इस कानून को लेकर विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। बीते दिनों इस नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एक जन जागरण रैली भी निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से सांसद केपी यादव भी इस रैली में शामिल हुए। तात्या टोपे बलिदान स्थल से शुरू हुई ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। रैली के बाद पत्रकारों से चर्चा में सांसद केपी यादव ने कहा कि इस रैली में मौजूद भीड़ यह बताती है कि कितने लोग सीएए के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस कानून के बारे में जानते नहीं हैं, उन्हें हम इस कानून के बारे में बता रहे हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस युवा दिवस के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार खंडवा जिले के सभी स्कूल, कॉलेजों, आश्रम शालाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित किया गया। जिले के सभी स्कूलों में आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस युवा दिवस के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार खंडवा जिले के सभी स्कूल, कॉलेजों, आश्रम शालाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित किया गया। जिले के सभी स्कूलों में आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। खंडवा में जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में
आकाशवाणी द्वारा प्रसारित स्वामी विवेकानंद पर केंद्रित प्रेरणादायी संस्मरण समाये गए। कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों व अधिकारियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राएं की। तत्पश्चात उपस्थित विद्यार्थियों को प्राणायाम कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत गायन के साथ हुआ, जबकि समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके अलावा मुंदी व पंधाना सहित जिले के विभिन्न स्कूलों में भी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। उमरिया जिले में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान जिले में यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है, बता रहे हैं उमरिया संवाददाता। आदिवासी बहुल उमरिया जिले में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान जिले में यातायात के नियमों के प्रति जन जागरूकता लाने हेतु फ्लैक्स व होर्डिंग से नगर की सड़कों में नारों से सजाने के अतिरिक्त महाविद्यालय और स्कूलों में गोष्ठियां और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों से चित्रकला के माध्यम से सड़क पर सुरक्षित यातायात के प्रति उनकी जानकारियों को प्राप्त कर उन्हें नगर के प्रमुख चौराहों में प्रदर्शित किया जाकर श्रेष्ठ पेंटिंग को पुरस्कृत किया जाएगा। 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान चालकों का स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण किया जाकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। हमारी रतलाम संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर 11 महिलाओं को ई रिक्शा के लिए बैंकों से राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए अब तक 6 महिलाओं द्वारा आवेदन भी कर दिया गया है। शहर में पहली बार अब महिलाएं सड़कों पर ई रिक्शा चलाते हुए दिखेंगी। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर 11 महिलाओं को ई रिक्शा दिलाने के लिए बैंकों से राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इन महिलाओं को बैंक ऋण दिलाया जा रहा है, जिसके लिए अब तक 6 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। चलाने वाली महिलाओं को जिला परिवहन कार्यालय से लाइसेंस दिलवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि महिलाओं के ई रिक्शा चलाने से पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, इन महिलाओं को स्वरोजगार भी मिलेगा। साथ ही महिला यात्रियों और खासकर देर रात तक सफर करने वाली महिलाओं के लिए भी यह नई तरह की राहत। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। रायसेन जिले के सांची में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। रायसेन जिले के सांची स्थित होटल गेटवे रिट्रीट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने इसका शुभारंभ किया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्याओं का निराकरण गंभीरता और संवेदनशीलता से किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य स्तरीय सेमिनार के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। राज्य स्तरीय सेमिनार में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजाक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान में वंचित वर्ग के लिए जो नियम हैं, कानून हैं, उनको संवेदनशीलता के साथ लागू करना हमारा दायित्व है। सेमिनार में प्रदेश भर से आए अजाक के पुलिस अधिकारियों को अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सेमिनार के दूसरे दिन पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक समझ विकसित करने के मकसद से रायसेन जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम गुलगांव के निवासियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजाक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नेतृत्व में दूसरे दिन गुलगांव में ग्रामवासियों से संवाद कर वर्ग विशेष के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। हमारे बड़वानी संवाददाता ने बताया है कि जिला अस्पताल में अब मरीजों को और भी सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल में जल्द 500 बेड की सुविधा मिलेगी, जिससे आसपास के लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिला मुख्यालय पर स्थित जिला अस्पताल में अब मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मिलने लगेगी। क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के प्रयास से अस्पताल अब 300 से बढ़कर 500 बिस्तरों वाला हो जाएगा। जिला अस्पताल के उन्नयन के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस कार्य के लिए 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी हो चुकी है। जिला अस्पताल को 500 बेड की सुविधाएं मिलने से इस पर आश्रित बड़वानी के साथ समीप स्थित धार व अलीराजपुर जिले के गरीब मरीजों को भविष्य में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
आलेख और वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित, राशिद अहमद खान और दीपा सिंह। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।